सो गाइस आज जो है मैं आप लोगों को मेरा जो डिजिटल मंजीत करके जो वेबसाइट है .com, तो इसके ऊपर मैं पहला आर्टिकल जो है वो पब्लिश करने जा रहा हूँ। तो इस आर्टिकल को जो है सबसे पहले तो हमें कैसे क्या करना होता है वो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आज हम इस पूरी वेबसाइट के अंदर यू कैन सी कहीं पर भी कोई भी एक भी सिंगल आर्टिकल अवेलेबल नहीं है। तो इस आर्टिकल को जो है हम सबसे पहले तो यहाँ पे डालेंगे। तो आर्टिकल को डालने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना, तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका यहाँ पे इस तरह से आपको कोई भी एक कीवर्ड रिसर्च कर लेना जिसके ऊपर में आप वो आर्टिकल बनाना चाहते हैं। अब कीवर्ड जो है आपको कैसे सेलेक्ट करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आप इस पूरे आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। सो इस आर्टिकल को पूरा लिखने के लिए मुझे जो है 3 से 4 घंटे लगे, जिसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन दिया है। फिर उनके बारे में बताया कि कितने तरह के कीवर्ड्स होते हैं टोटल, और उनमें से ये एक दो टाइप के कीवर्ड्स हैं। फिर शॉर्ट यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाया है, और उसके बाद में यहाँ पे लॉन्ग टेल का एग्जाम्पल दे के मैंने एक्सप्लेन किया है। देन आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग कीवर्ड्स जो हैं उसके बारे में क्या बताया कि किस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। देन आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के बारे में पूरा यहाँ पे बताया है, कुछ उसके सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि हाई वॉल्यूम, हाई कन्वर्जन्स, लो फोकस, हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट कन्वर्ज रेट, लो कन्वर्जन रेट, और उसके बाद में लॉन्ग टेल का इसी तरह से मैंने बना दिया, और पूरा एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे फिर उसके बाद में मैंने इसको समराइज कर दिया सो दैट द पर्सन हु कैन विजिट दिस आर्टिकल उसको एक सिंप्लीफाई जो है सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिले। और उसके बाद में कंक्लूजन डाल के रखा है, यू कैन सी कंक्लूजन डाल के रखा है मैंने यहाँ पे, और बीच में हम कुछ इमेजेस का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, और डेफिनेटली मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट के टेल के बारे में, तो वो वीडियो आपका बीच में यहाँ पर जाएगा और बीच में कुछ आपकी जो है इमेजेस जाने वाली हैं। अब ये पूरा काम पहला स्टेप होता है आपका करने का, राइट। यू कैन सी यहाँ पे हमें 7 टोटल जो है पेजेस का इस्तेमाल किया पूरे इस आर्टिकल को डिज़ाइन लिखने के लिए। अब इसको जो है हमने वन बाय वन करके अपनी वेबसाइट के अंदर डालना है। तो मेक श्योर करें, यू कैन सी आप बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है, अदरवाइज आप जो है रैंक नहीं कर पाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी चीज़ लिखें खुद लिखें, राइट। आप खुद लिखेंगे तो डेफिनेटली आपकी खुद की लैंग्वेज होगी, खुद के पूरा सेंटेंसेस होंगे, तो वो आपका कहीं पर भी डुप्लीकेसी होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो है आपके पास में पूरा इस तरह से मैंने लिखा, तो आपको भी अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है। चलिए अभी इसको जो है वेबसाइट पे कैसे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यू कैन सी ये मेरा फ्रंट एंड है, बट हमें जाना है बैक एंड पे। बैक एंड पे जाके हम जाएंगे पोस्ट के अंदर, बिकॉज हम पोस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पोस्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको पहले दिखा दूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे एक शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल का मैंने पहले एक बनाया था ड्राफ्ट, राइट। अभी इसी को जो है हम पूरा अच्छे से एडिट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको स्क्रैच से दिखाने वाला हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट, राइट। हम एक नया फ्रेश जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि आपको जो है पूरा एक आर्टिकल लिखने के लिए एक जो है आपको पोस्ट का और एड न्यू पे क्लिक कर दिया, तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे सामने एक पूरा फ्रेश जो लेआउट है वो हमें यहाँ पे ओपन होकर मिल चुका है। और यहाँ पर हमें डालना है वो टाइटल, तो टाइटल हमारा क्या है वो हमने यहाँ पे सब लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से ये टाइटल को पिकअप करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अगर बीच में कहीं पैसा स्पेस हो तो उसको आपने रिमूव कर देना है सो दैट कि पूरा डिटेल के अंदर हमारा काम हो सके। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे यू कैन सी ब्लॉक साइजेस हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने ब्लॉक के अकॉर्डिंग, ब्लॉक साइज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वन बाय वन करके इसको जो है डालते चलना है। तो मैं यहाँ पे पूरा एक साथ कॉपी नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार पूरा कॉपी करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी एरर वगैरह आते हैं तो आपको उसको करेक्ट कर देना, ताकि ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं वो आपकी यहाँ, राइट। और इसमें अपन एंटर करते हैं, और नीचे से हम यहाँ पे ये जो हमें एक थोड़ा सा बोल्ड करना है, सो इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे चलते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे ये हेडलाइन है, तो हम इसको हेडलाइन के अंदर ही रहने देते हैं और नीचे आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद इट डिपेंड ये सारा जो हमने लिखा है, और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये भी हो गया।
और यहाँ पे विच मीन्स यू कैन सी, यहाँ पे अगर आपके कहीं पर भी आपके पास ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आती हैं तो आप जो है, यहाँ पे मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ ग्रामरली का, तो आप लोग भी ग्रामरली का एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड अगर आप ऐसा काम करते हैं आर्टिकल्स वगैरह लिखने का। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये भी लिखना है, तो ये भी हमारी एक हेडिंग है, तो इसको भी जो है हम यहाँ पे हेडिंग में डाल देते हैं, तो ये भी हमारी हेडिंग है, यू कैन सी ये हमारी हेडिंग है, तो इसको भी हमने हेडिंग में डाल देना है। इसके बाद जो है हमारे पास में यहाँ पे कुछ लिखा गया, तो उसको भी हम यहाँ से कॉपी करके अलग अलग करना है, एक साथ नहीं करना है, क्योंकि एक साथ करोगे तो दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, ये भी हमारी हेडिंग है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा हेडिंग के अंदर। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है शॉर्ट का ये जो भी आपको बताता है वो आपको यहाँ पे रखना है, बट यहाँ पे देखें देयर इज 9 टाइप ऑफ अ कीवर्ड, इसको आर को हटा दे, कीवर्ड्स अवेलेबल एंड वी हैव डिस्कस अबाउट, वी विल डिस्कस अबाउट 2 टाइप्स ऑफ, यू कैन सी ग्रामरली का बहुत ही अमेजिंग टूल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ ये आर्टिकल लिखा, तो इसको मैं कंटेंट को यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इसमें से जो भी चीज़ें आपको बोल्ड करनी है, राइट, दैट ओनली वे यू कैन सी यहाँ पे लेसर वर्ड और फ्यूअर वर्ड, यू कैन सी हम लेसर वर्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेस वर्ड का वही रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी आपको जो है गलत भी बोल सकता है, तो बट आपको भी ध्यान देना कि आप क्या लिखना चाहते हो। एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल कर सकते हो, ठीक है, ओके, इट्स ओके। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड, जो जो चीज़ें मुझे बोल्ड करनी है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको, सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड, और जो जो चीज़ें मुझे बोल्ड करनी है वो मैं यहाँ पे बोल्ड करते चले जाऊँगा, और जो मुझे एज इट इज़ छोड़नी है वो मैं यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ दूंगा, कंट्रोल जेड, वापस गलती होती जा रही है। तो यहाँ पे जो है हमें इसको भी कंट्रोल बोल्ड करना है, तो यू कैन सी यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको करनी है वो इस तरह से आप बोल्ड करते जाएं, राइट, सो दैट कि आपका जो आर्टिकल है वो बहुत ही परफेक्ट जो है वो लुक उसका आना चाहिए। तो मैं इसको जो जो चीज़ें आपको लगती हैं वो आप यहाँ पे इसी हिसाब से आपको बोल्ड करना है, तो ये मैं बोल्ड करते जा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट अमेजिंगली आपको जो है चीज़ें यहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी कि यहाँ पे किस तरह से हम जो है ये पूरा काम करते हैं। तो आर में यहाँ पे रूट फॉर गोवा जैसे हमने करना कर दिया, और यहाँ पे एग्जाम्पल के आगे ये लगना है एक, तो ठीक है, और नीचे आते हैं। अब इसके बाद में व्हाट इज अ लॉन्ग कीवर्ड टेल, लॉन्ग टेल कीवर्ड, तो ये हमने लिख दिया, ये हमारा क्या है, हेडिंग है, तो हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। अब ये H1, H2, H3 जो भी आपको डिसाइड करना है वो साइड से करना पड़ेगा, वो मैं आपको SEO के अंदर कवर करूंगा कि कैसे ये सब किया जाता है। हाल फिलहाल मैं आपको आर्टिकल जो है वो किस तरह से आपको यहाँ पे डालना है वो मैं आपको पूरा तरीका जो है वो बता रहा हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे भी आपके पास में दैट ओनली जो भी फॉर एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे, और एग्जाम्पल के बाद में भी यहाँ पे कॉमा मांगेगा, तो हम कॉमा पहले से लगा देते हैं, जहाँ पे स्पेस ज़्यादा है वहाँ पे ये कर दें, और जो आपका बोल्ड करने वाला जो आर्ट कंटेंट है उसको सेलेक्ट कर करके आप बोल्ड कर दें, ताकि बहुत ही अच्छा लुक आपकी वेबसाइट पे आए, और जो भी यहाँ पे विजिट करे उसको लगे कि हाँ यार आपने जो काम किया है तो वो वाकई काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे हम इसको करते चले जाते हैं बोल्ड, और ये मैंने इसको भी बोल्ड कर देना है। और इसके बाद में अगर आपको यू कैन सी यहाँ पे लॉन्ग टेल, तो हमें यहाँ पे यही चाहिए है, तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं करना हमने। डिसाइडिंग इट व्हेन इट कम्स टू डिसाइड एनीथिंग, डिसाइडिंग एनीथिंग, ठीक है, इट्स ओके। तो हम यहाँ पे जो भी चीजें करनी है उसको बोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे अगेन। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, बट आपको सारी डिटेल जो है मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम ये सब करते हैं, ताकि आपको जो है पूरा आप भी अगर, और इसके बाद ये नहीं कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ, इसके बाद इसी वेबसाइट पे जितने भी आर्टिकल डालूंगा मैं आपके सामने डालूंगा, और इसी वेबसाइट को जो है मैं आपके सामने एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए डालूंगा, और देखेंगे कि कितने समय के अंदर हमें एडसेंस का अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा, राइट। सो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको भी कर लिया हमने, और लॉन्ग टेल के लिए बोल रहा है, ठीक है, इट्स ओके। और उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे अगेन एक हेडिंग है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ये भी हमने यहाँ पर डाल दिया, और इसके बाद में ये डाल दिया, और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे ये यहाँ पे कर दिया, बट ये जो है ये मुझे थोड़ा सा हाईलाइट कराना है, सो या तो मैं इसको बोल्ड कर दूँ, राइट, या फिर जो है मैं यहाँ पे ये
यूज़ डिपेंडिंग ऑन दी ट्राफिक। तो ये चीज़ें अच्छी हैं जो आप यूज़ करोगे, ग्रामरली का एक्सटेंशन ये आपको काफ़ी बेनिफिट देता है। अब यहाँ पे जो है हमें क्या डालना है, मुझे मेरी एक YouTube का वीडियो डालना है। सो मैं अपना चैनल ओपन कर लेता हूँ विच इज़ डिजिटल मंजीत। डिजिटल मंजीत पे चलते हैं और इसका मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल का, यू कैन सी यहाँ पे बना के रखा। इसी तरह से आप जो भी वीडियो बनाते हैं उसका आप यहाँ से URL कॉपी करें और कॉपी करके यहाँ पे हमें क्या डालना है, वीडियो डालना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वीडियो, तो यू कैन सी यहाँ पे हमने वीडियो का URL डाल देंगे। और अगर आप कुछ स्पेसिफिक लिखना चाहते कि अगर एंड होने के बाद आपका ही आए तो आप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मार्क रेल इक्वल्स टू जीरो कर देंगे तो आपके ही वीडियो दिखाई देंगे, कोई दूसरा वीडियो जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ट्राई अगेन, थंबनेल नहीं बन पा रहा है। ओके, चलिए एक बार इसको रिमूव करके वापस इसको जो है ट्राई अगेन कराते हैं। तो ये काम नहीं करा, तो एक काम करते हैं इसको डिलीट करते हैं, वापस से यहाँ पे यूट्यूब यहाँ पे सर्च करते हैं और यहाँ पे वापस से हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं जो हमारा वीडियो था, URL था, एम्बेडेड करते हैं। तो नाउ फाइनली इट इज़, यू कैन सी हमारे पास में आ चुका। पहले माइट भी कुछ टेक्निकल इशू हो गया होगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आगे हमारे पास में यहाँ पे है शॉर्ट टेल कीवर्ड, तो चलिए शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है हमारे पास में यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम डालते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड और उसके बाद में इसका जो भी डिटेल लिखी हुई है वो कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करें। मेक श्योर करें ये आर्टिकल, ये जो पैराग्राफ्स हैं वो आपके ज़्यादा बड़े ना हों, छोटे रहें। अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स और लॉन्ग को तो अलॉन्ग, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद में क्वेश्चन आना चाहिए, द फर्स्ट पेज, ठीक है। ये चीज़ें जो अच्छी हैं वो आपको यूज़ कर लेनी है, जो चीज़ें आपको लगे कि नहीं करनी है, आपको एज इट इज ही रखनी है, आपके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल वैसे ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम ले लेते हैं और उसके बाद में अगर आपको इसका कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो डेफिनेटली आप कलर वगैरह अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये कर दिया आपने, बाद में मैं इन सब चीज़ों को देख लूँगा। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे डालते जा रहा हूँ हाई कंपटीशन, और ये हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, यहाँ पे भी इसको भी कर देते हैं। तो यू कैन सी काफ़ी सारे जो एरर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, बट मैं इसको एज इट इज़ छोड़ना चाहता हूँ। जो चीज़ें मैं चेंज करना चाहता हूँ वो मैं कर दूंगा, लेकिन जो मुझे नहीं करने हैं, जो मैंने अपने अकॉर्डिंग रखने हैं, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर वही रखूँगा जो मुझे चाहिए हैं। सो अट्रैक्ट्स, ओके ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, और यहाँ पर भी कीवर्ड्स आएगा और यहाँ पे दी फर्स्ट आएगा, नोटिस्ड, ओके, अ ह्यूज, और मे बी गूगल, तो ठीक है दी फर्स्ट गूगल तो गूगल ही रखना है हमने, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और इफ़ यू आर रनिंग पेड एड कैंपेन, और रीच एड नहीं रखना है, रीच दी फर्स्ट पेज, ठीक है, इट्स ओके। देन हमारे पास में यहाँ पे है लो फोकस, लो फोकस कर देते हैं। इसके बाद में लो फोकस में हमने जो भी चीज़ें रखनी है वो यहाँ पे डाल देते हैं, और इसके बाद में हाई कॉस्ट है हमारे पास, हाई कॉस्ट लिख देते हैं, और ये हमने यहाँ पर डाल दिया और इसको भी हमने यहाँ पर डाल देना है। अब इसके बाद में लो कन्वर्जन रेट, तो यू कैन सी इसी तरह से हमें जो है पूरा का पूरा आर्टिकल डालते चलना है, और उसके अंदर जो भी आपको ग्रामरली के अकॉर्डिंग चीज़ें सही नहीं लग रही हैं उनको आपको चेंज कर देना है, सो दैट कि आपका जो एक आर्टिकल है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बन जाए, राइट। तो ये हम करते चले जाएंगे, बाद में जो है उसको देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारा कंटेंट हमने क्रिएट करा है, अभी तो फोर्थ पेज पे हैं, तो अभी और काफ़ी सारा कंटेंट है जिसको हमने यहाँ पे डालना है। एक बार मैं ये सारा डाल देता हूँ, और मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपको इसको चेक करके चेंज करना है अकॉर्डिंगली, जो है आपको भी अपने आर्टिकल का जो है इसी तरह से काम करना है। तो मैं अभी ये बाद में कर लूँगा, आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, राइट। सो यू कैन सी मैं अभी यहीं तक छोड़ता हूँ, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड मोड के अंदर इसको देख लो। ओके, अभी मुझे यहाँ पे जो है एक टेबल बनाना है, तो टेबल का भी यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन होता है, सो लेट मी राइट दी टेबल, राइट। अगर आप यहाँ पे टेबल लिखते हैं तो यू कैन सी आपको टेबल इस तरह से मिल जाता है। इसके अंदर आपको बताना हो कितने कॉलम और कितने रो चाहिए, तो मुझे यहाँ पे मैं तीन तीन कर देता हूँ, मुझे वो तीन तीन ही चाहिए। तो यू कैन सी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ से फॉर एग्जांपल शॉर्ट टेल, राइट, और यहाँ पे हम आगे वाले में डाल देते हैं लॉन्ग टेल,
तो यहाँ पे लॉन्ग टेल के बारे में आ जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट टेल के बारे में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने डालना है वॉल्यूम, और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे कंपटीशन, उसके बाद है मेरे पास में फोकस। ओके, यहाँ पे कम पढ़ रहे हैं तो आप ही क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके इसमें और इस तरह से ऐड कर सकते हो कॉलम, अगर आपको ऐड करने हैं तो आप यहाँ से और ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए यू कैन सी आपके पास में एडिटेबल टेबल है, तो आपको इंसर्ट करना है, रो करना है या कॉलम करना है, तो आपको जो भी चाहिए वो यहाँ से आप जो है एंटर कर सकते हैं। फोकस हो गया, इसके बाद हमें चाहिए कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए भी यहाँ पे मैं एक कर लेता हूँ इंसर्ट। और फाइनली हमें यहाँ पे चाहिए एक कन्वर्जन, तो कन्वर्जन भी कर लेते हैं इसी तरह से। और इसके बाद जो है मुझे यहाँ पे जो भी इसकी डिटेल है वो यहाँ पे हाई कर क्लिक करनी है, एंटर करनी है। हाई है, कंपटीशन हाई है, कॉस्ट हाई है और कन्वर्जन स्लो है, और यहाँ पे दो हाई हैं, एक तो ये हाई है और दूसरा ये वाला हाई है। बाकी जो लो किया है तो मैं यहाँ पे लो लो में डाल देता हूँ। तो यू कैन सी इसी तरह से आपको जो है पूरा स्पेसिफिक रहना है, सो दैट कि आप जो है इसमें पूरा डिटेल में बता सकें। फाइनली हम आ गए कंक्लूजन पे, तो लेट मी राइट कंक्लूजन, देन उसके बाद में जो भी हमारे एंड में जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। और इस तरह से जो है ये लास्ट में मुझे एक और लाइन छूट गई तो उसको भी कर लेते हैं यहाँ पे, ये भी हमने यहाँ पे डाल दिया। तो अब जो भी आपको यहाँ पे ग्रामरली के अकॉर्डिंग करना है वो कर लें, बट मेक श्योर करें कि आपके पास में ना बीच में इमेजेस जरूर डालें। तो इमेजेस कहाँ कहाँ पर डालनी है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे हाई कन्वर्जन, लो फोकस, ओके, हाई कॉस्ट, हमें यहाँ पे देखना था। यहाँ पे मैंने डाल के रखा है कि कहाँ कहाँ पे मुझे इमेजेस डालनी है। सो यू कैन सी यहाँ पे कंपटीशन के अंदर मुझे दो इमेजेस ऐड करनी है, तो यहाँ पर ऊपर साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कंपटीशन हो गया। सो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पर हमें एक इमेज डालनी है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इमेज। तो ये रही इमेज, तो इमेज को मुझे अपलोड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फोल्डर के अंदर जो है यू कैन सी जो मुझे इमेजेस चाहिए वो मैंने यहाँ पे डाल के रखी हैं, तो मैं यहाँ पे इमेज डाल देता हूँ। तो इमेज मुझे वापस वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे हमने डेस्कटॉप के ऊपर जाना है। डेस्कटॉप के जाकर मैंने शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल का करके रखा है, यहाँ पर शॉर्ट टेल का ये रहा तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। सो यू कैन सी ये मेरा यहाँ पे इमेज डल चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं जो है जो मेरा दूसरा वाला है विच इज़ अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड का है, और इसके बाद में मेरे पास आ जाएगा लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो इसका कंपटीशन वाला ये रहा, और यहाँ पर हम जो है इसको एंटर करते हैं, और यहाँ पर भी मुझे इमेज एंटर करनी है, सॉरी नॉट टेबल, कंट्रोल जेड। तो यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इमेज, अगर नहीं मिले तो आप यहाँ पे सर्च कर लें इमेज, राइट। तो ये रही इमेज, और इसको भी मुझे अपलोड करना है, तो ये लॉन्ग टेल वाली है, तो ये भी मैंने यहाँ से अपलोड कर दी। अब इसके बारे में हमने यहाँ पर डाल तो दिया, अभी यू कैन सी यहाँ पे जो आपका SEO स्कोर है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, राइट। तो अभी आज मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि कैसे इसको सेट करना है आपको। अभी इसको जो है हम यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इसके ऊपर में करेंगे SEO, ऑन पेज SEO किसको कहते हैं वो मैं आपको पूरा यहाँ पे पब्लिक करके बताऊंगा, सो दैट कि आपको समझ में आए कि किस तरह से ये सारा काम जो है वो किया जाता है।